इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के, अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जिलों बंद है, देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कदर करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे। देश बेबस है, मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे वो अभिन्न अंग है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए, वहाँ एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है सीएम ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछा, सब मालूम है आपको। तो क्या हो रहा है, कश्मीर में भूकंप आ गया था एक बार, और वहाँ पे हम लोगों ने एक एनजीओ के माध्यम से, मैं मेरे मोमेंटो ऑप्शन करता हूँ, सुनामी के अंदर या गुजरात भूकंप के अंदर या कारगिल युद्ध के अंदर, तो जो मोमेंटो मिलते हैं सीएम को हम ऑप्शन करके पैसा भेज देते हैं। जब मैंने कश्मीर भूकंप के अंदर इकट्ठा करना शुरू किया तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि पूरा देश कहता है हिंदुस्तान कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अब जब गुजरात भूकंप आया था तब तो लाखों हाथ खड़े थे मदद के लिए, वो हाथ नज़र नहीं आते हमें,